दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग के लिए यहाँ पे जाने वाला हूँ, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट है भोपाल में। जो लोग भी भोपाल में विजिट करते हैं उनके लिए वो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, काफ़ी मशहूर है भोपाल में। आप अगर आप जानते होंगे भोपाल से हैं तो उसका नाम जानते होंगे, सैर सपाटा, जो कि मोस्ट विजिटिंग प्लेस है भोपाल में। तो वहीं पर आज मैं जाने वाला हूँ और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भोपाल में लेक बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एक लेक पे जिसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है कि वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया, काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे चल के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और दिखेगा भी। यहाँ से बोल रहे थे तो क्या होगा, चल के दिखाएँगे और आपको क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे एक एक करके। आप भी आ सकते हैं वहाँ पर, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानकारी दूँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग पर लास्ट तक और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो चलिए पहले चलते हैं वहाँ पे। अभी यहाँ से बस पकड़ के जाऊँगा, बस से इसलिए जाता हूँ क्योंकि बस का कॉस्ट कम पड़ता है, बाकी ये टैक्सी के मुताबिक ऑटो ऑटो के मुताबिक बस का कॉस्ट कम पड़ता है, इसलिए बस से ही जाता हूँ। यहाँ से दो जगह एक्सचेंज करके बस जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर वहाँ पहुँच के आपको मिलता हूँ। तो इधर दूसरा बस पकड़ लिए हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पर, वहाँ पर चल के आपसे बात करूँगा। तो गाइस अभी बस से उतर गए हैं, मेन रोड है, यहाँ से आगे सामने आधा किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अभी चौराहे पे मैं उतर चुका हूँ बस से और अभी गाइस सनसेट भी होने वाला है, तो शाम का नज़ारा काफ़ी बढ़िया आता है यहाँ पे। ये रहा गाइस मेन गेट सैर सपाटा का, अंदर चलते हैं। यहाँ पे भीड़ काफ़ी होता है, देख सकते हैं इधर पार्किंग के लिए एरिया बना है, एक मेला की तरह यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे टिकट के लिए लाइन, भाई साहब बड़ा लाइन लगा है भाई टिकट के लिए। यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट के लिए लाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा लाइन है। यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है, 30 रुपया पर पर्सन लग रहा है और चाइल्ड का 15 रुपया, एडल्ट का 30 रुपया है। और भाई साहब यहाँ पे भीड़ देखिए लाइन का, लेडीज़ जेंट्स दोनों का अलग अलग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी चलिए चलते हैं अंदर, सामने ये ब्रिज बना है, ब्रिज को क्रॉस करके उस साइड जाना है हम लोग, उसी साइड सब है। ब्रिज ही मेन अट्रैक्शन बना है यहाँ पे, सबको इसे फोटो खिंचवा रहे हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना गाइस, वो सब वन विहार में आता है, जो ब्लॉग बना दिया है वन विहार का, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा, पूरा वन विहार का ब्लॉग मैंने बना दिया है। ये सब पहाड़ वन विहार में ही आते हैं। हम लोग उस साइड से आए हैं और बीच में ये लेक बना है और इधर जाके सारी चीज़ें हैं अंदर, तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके। बस बने रहिए ब्लॉग पर लास्ट तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे टॉय ट्रेन राइड भी होता है, जो कि पूरा इस जंगल के अंदर ही अंदर जितना दूर में सैर सपाटा है उसका राइड करवाता है, उसको भी उसमें बैठ के आपको दिखाएंगे। ये इसका पटरी बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी चल के देखते हैं कितना रुपए क्या चार्जेस लगते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पहले चलते हैं टिकट लेकर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से बोट राइड के लिए भी टिकट ले सकते हैं और ट्रेन के लिए भी। गाइस हमने ट्रेन का टिकट लिया है, 20 रुपया पर पर्सन और चाइल्ड का 10 रुपया लगता है। तो यहाँ से ट्रेन में बैठ के आपको पूरा एक राउंड करवाएगा 20 रुपया में, और पूरा अंदर का जितना भी दूरी है सारे सपाटे का सारे का एक राउंड होता है ट्रेन में बैठ के।
और बोट का अलग चार्ज है, यहाँ बोट भी चल रही है तो इसका अलग चार्ज है, अलग अलग बोट का अलग अलग चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेन में बैठने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, तो गाइस सबसे पहले ही चल के यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, क्या है कि यहाँ से अच्छा नज़ारा आएगा। तो ट्रेन में बैठ चुका हूँ, अब एक राइड लेते हैं ट्रेन का, फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं कितना मस्त लगता है। तो अब गाइस ट्रेन चल रही है और यहाँ का नज़ारा देखिए अब आप लोग। इसके अंदर गए खाने पीने का भी सारी चीज़ें सामान यहाँ पे अवेलेबल है, फूड काउंटर, तो आके आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ट्रेन की सवारी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। सारी चीज़ें जो भी चीज़ यहाँ पे था आपको दिखा दिया, मेन यहाँ पे बोट राइड और वो जो ट्रेन राइड है यही है, और बाकी ये अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा ये लेक है और ये मेन पूल अट्रैक्शन बना हुआ है यहाँ पे। तो बस यही था, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे, लोग इंजॉय करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, कपल स्पॉट, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको आना है, अगर पास के हैं तो शाम में ही आइए, क्योंकि रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। पर पर्सन एंट्री टिकट है, जो एंट्री टिकट है सिर्फ वो 30 रुपये है, बाकी अंदर आएंगे तो बोट राइड का अलग लगता है, खाने पीने का अलग है, ट्रेन राइड का अलग है, वो अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका मन करेगा वो करिए। तो अब चलिए बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के कुछ आपसे बातें करते हैं। अभी भी यहाँ पर लोग आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। यहाँ पर बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, यहाँ से बस का इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में आने वाली है और फिर चलते हैं। दो जगह बस चेंज करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया आने में। रूम मेरे रूम से ये 15 किलोमीटर था, कि अगर आपके रूम से आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से ये दूर पड़ता है तो थोड़ा पहले आया करिए, नहीं तो ज़्यादा रात होगा तो फिर बस भी बंद हो जाती है 8 बजे के बाद और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी अपने गाड़ी से आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ और इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा, सैर सपाटा में जो भी आपको दिखाया उसमें से क्या आपको पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए लोकेशन पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।